तो हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन का भी बना दिया था, वैसे डिवाइड का भी फॉर्मूला करा दो आपको, ठीक है? टाइम वेस्ट किए बिना जो स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव गिवन दी फंक्शन, तो वाई इक्वल टू है ना, वाई दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस लॉग एक्स। तो मल्टीप्लाई में क्या आता था आंसर में, प्लस आता था, तो डिवाइड में क्या आएगा, माइनस। पर डिवाइड का थोड़ा रूल अलग है। तो ये जैसे मल्टीप्लाई में यू इंटू वी होता है, जिसमें यू बाई वी होता है, यू डिवाइड बाई वी, मतलब पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी दोनों को क्या करना है, डिवाइड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे लाइन मार, इक्वल डालने का। अभी इतना डिवाइड में क्या करना है, ऐसे बड़ी लाइन मार देने का पहला, सिंपल। नीचे कौन सा पार्ट है, लॉग एक्स, जो नीचे डिनोमीटर में उसको नीचे ही रखने का है, होल स्क्वायर में डाल देने का, सिंपल, स्क्वायर में डालना, रूल है, कानून है। तो कानून के आगे सवाल जवाब नहीं है ना। तो जो भी डिनोमीटर में रहेगा उसको क्या डाला, स्क्वायर में, और उसको वैसे यही आगे आएगा और यही पीछे आएगा, जो नीचे वही आ गया, ऊपर ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। फिर अभी इधर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, इधर भी क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, चिपक के लिखेंगे। हम डिवाइड इसके क्या डाला, माइनस, डिवाइड इसके क्या डाला, तो बचा क्या, अभी इधर क्या बचा है लिखने के लिए, ऊपर वाला बचा ना यार, ऊपर वाला यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इसका ये ऐसा फॉर्म है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना यार, तो इक्वल माना, जो नीचे नीचे रहेगा ना यार, तो जिसके आगे डी बाई डी एक्स है वो सॉल्व होगा ना, तो लॉग एक्स के आगे है कि डी बाई डी एक्स नहीं, तो इसको कैसे रखेंगे, एज इट इज इसको सॉल्व करेंगे ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डायरेक्टिव क्या आएगा, टू एक्स, टू एक्स है, तो एक्स के एक्स का डायरेक्टिव क्या है, वन, एक्स का डायरेक्टिव क्या है, वन, और वन का डायरेक्टिव क्या है, जीरो। इसको सॉल्व करके टू एक्स आया, एक्स के जगह पे कितना डालेंगे, वन डालेंगे, एक्स के जगह पे कितना डालेंगे, वन डालेंगे, राइट। और जिधर कॉन्स्टेंट टर्म, इधर क्या आ गया, जीरो। तब ये ब्रैकेट को सॉल्व करके आया, ये क्या साइन है, माइनस। अब इसको एज इट इज रखेंगे, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स का डायरेक्ट क्या है, वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डायरेक्ट क्या है। अभी आंसर को अच्छे से सजा दो, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन लिख दो। इधर आएगा लॉग एक्स, मल्टीप्लाई में डॉट डाल देता हूँ, इधर आएगा टू एक्स प्लस टू, फिर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, डिवाइड बाय वन अपॉन एक्स, ऐसी लाइन मार दिया, छोड़ दिया, बाकी का टीचर संभाल लेंगे, है ना, ये डिवाइड का रूल है। अभी ऐसे और दो तीन सम सॉल्व कर दूंगा, आ जाएगा ना। तो आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट, क्या लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आकाश ध्यान दे भाई, पहले क्या मारेंगे, लाइन मारेंगे, नीचे कौन है, ई एक्स एक्स क्यूब, ब्रैकेट बना के क्या डालेंगे, स्क्वायर। अब जो नीचे है वही आगे आएगा, वही किधर आएगा, पीछे आएगा, चल ब्रैकेट डाल दिए। इधर क्या आएगा, डी बाय डी एक्स, इधर क्या आएगा, डी बाय डी एक्स, बीच में क्या डालेंगे, माइनस। अब कौन सा बचा, ऊपर वाला कौन है, लॉग एक्स प्लस वन, लॉग एक्स प्लस वन। अब इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आ जाओ, इसे लाइन मार दिया, नीचे ला पड़ गया, ई एक्स एक्स क्यूब होल स्क्वायर, एज इट इज रखने का। अभी जिसके आगे डी बाई डी एक्स है वो सॉल्व होगा ना यार, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको सेम रखने का है। सोल्यूशन किसका आएगा, इसका आएगा ना, ये क्या है, लॉग एक्स है क्या ये, तो लॉग एक्स का डायरेक्टिव क्या है, वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डायरेक्टिव वन, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, उसका डायरेक्टिव आएगा जीरो, सिंपल। अभी वाले पार्ट को क्या रखेंगे, सेम लिखेंगे। अब इसको सॉल्व, ई एक्स का डायरेक्टिव क्या आएगा, ई एक्स, और एक्स क्यूब है, मतलब तीन की तरह आगे क्या आ जाएगा ना, और तीन में से क्या, तो कितना बचेगा, दो, ये आगे लेने का और एक कम करने का ना। तो ये क्वेश्चन था, ये क्या आंसर, और सॉल्व करना छोड़ दो, वरना इतना करके छोड़ा तो भी चलेगा, बेसिक सम है ना ये, तो दो सौ मैं फटफट करा देता हूँ। अभी नीचे क्या दिया, अब आंसर आना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अभी थोड़ा स्पीड में जाता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे बड़ी लाइन मारने का, नीचे कौन है, फोर एक्स प्लस, जो भी रहता है नीचे होल स्क्वायर में आएगा, वही आगे रहेगा, और डी बाय डी एक्स, डी बाय डी, बीच में माइनस की साइन। अब इधर क्या डालेंगे, एक्स पावर फाइव थ्री एक्स फाइव, एक्स पावर फाइव थ्री एक्स प्लस फाइव, हाँ, फिर क्या आ गया, फोर एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर, है ना। तो इसको ऐसे ही रखने का है, सॉल्व ही होएगा ना यार, तो इसको क्या सॉल्व करके आएगा, पाँच आगे आएगा और एक कम हो जाएगा तो चार हो जाएगा। एक्स है थ्री एक्स, एक्स का डायरेटिव कितना होता है, वन, और फाइव का डायरेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। अब ये पार्ट को एज इट इज रखेंगे, है ना,
अभी इसको सॉल्व करेंगे, एक्स बोले तो क्या आएगा, वन हो जाएगा, फाइव है, फाइव का डायरेक्ट क्या आएगा, जीरो। नेक्स्ट पार्ट में इसको अच्छे से सजा के आंसर रख देंगे ना तुम लोग, तो क्या नीचे वाला वैसे ही रखा, फोर एक्स प्लस फाइव, फोर एक्स प्लस फाइव, फाइव एक्स पावर फोर, थ्री वन का कितना आता है थ्री, एक्स पावर फाइव, थ्री एक्स प्लस फाइव, इधर आएगा फोर वन का फोर, खत्म, छोड़ दो इसको है ना। चल भाई आ जा, ये भी करा दो एकदम बस। अब आ गया ना थोड़ा बहुत, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स ऐसा लाइन मार देंगे, नीचे वाला को ऐसे रख दिया होल स्क्वायर, आगे क्या आएगा लॉग एक्स प्लस वन, लास्ट में भी यही आएगा, ओके इधर डालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी डालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या डालेंगे माइनस, इधर क्या आएगा एक फाइव एक्स प्लस फाइव, ऊपर वाला आएगा ना, ठीक है। फिर वापस से एक बड़ी लाइन मार देने का ओ स्क्वायर में, इसको ऐसे एज इट इज रखने का, ये ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करने का राइट। तो फाइव एक्स का डेट कितना आएगा वन, और फाइव का डायरेक्ट क्या आएगा जीरो, क्योंकि फाइव कॉन्स्टेंट टर्म है ना, एक्स नहीं है ना, वो मर गया खत्म, ये एक्स की जगह पे क्या आएगा वन। अभी इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो लॉग एक्स का डायरेक्ट क्या आएगा वन अपॉन एक्स, वन कॉन्स्टेंट टर्म में क्या आएगा जीरो। इस तरह तुम्हारा ये सम सॉल्व हो गया राइट। तो बहुत सारे सम तुम्हारे लिए मैं प्रैक्टिस करा दिया हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, काम आ जाएगा ठीक है। थैंक यू वेरी मच।